एडी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग के बारे में और मार्क्यूब टैग के बारे में। मार्क्यूब टैग में थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, बाकी एंकर टैग पर। एंकर टैग दिया है लेकिन तो आप लोग पेज नंबर 17 निकालिए। तो नहीं होगा देख लीजिएगा, हम बता दे। लेकिन एंकर टैग सुनिए, सबसे पहले फोल्डर ओपन कर ले रहे हैं। सामने देखिए, सब सामने देखिए, लिखते जाइएगा, सब सामने देखिए पहले। तो सबसे पहले जानिए एंकर टैग का मतलब क्या होता है। कहीं लिखिए एंकर टैग, ANCHOR, ANCHOR, एंकर। मार्किंग के ऊपर जो दिया होगा ना वही एंकर टैग है, जो HTML कुछ लिखा हुआ ये एंकर के ऊपर जो लिखा लिखा हुआ है HTML टैग लिखा होगा ना, IMG टैग। हाँ, उसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है वही जो कोड दिया हुआ है एंकर टैग का, उसी लिखा हुआ सब लोग लिखेंगे। देखिए सामने सामने देखिए, हम प्लस पे क्लिक किए, सामने देखो प्लस पे क्लिक किए और एक बना लिए क्या एंकर। ए स्पेलिंग हुई एंकर की, ANCHOR टैग डॉट HTML, नोट कर लीजिएगा। एंकर टैग लिखिएगा, एंकर टैग का इस्तेमाल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए। पहले बोले लाइक क्या बोले हैं, दूसरे एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक ठीक यह ठीक हाइपरलिंक की तरह ही कार्य करता है, तो वो भी जोड़ने का ही काम करता है, भी जोड़ने से। देखिएगा लाइन चेंज करके आप टेक्स्ट या इमेज पर एंकर टैग लगा के एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। आप टेक्स्ट या इमेज पर एंकर टैग लगाकर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले शिफ्ट वन दबा के हमने कोड ले आए, इंटर किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट बदल दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या एंकर टैग, क्या लिख दिया एंकर टैग। कोई दिक्कत है क्या, कंट्रोल से सेव किया और बॉडी के भीतर आए और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लगा दिया इमेज, मान ली लगाना है तो एक इमेज लगा दी IMG। अब इमेज लगाने के लिए आप जानते ही हैं कि इमेज वाले फोल्डर आपके में, यहाँ पे फोल्डर में इमेज होना चाहिए, इमेज नाम का फोल्डर हमारा ही है, याद आ रहा ना। इमेज नाम का फोल्डर बना ही हुआ है और इसमें डिटेल फोटो रखे ही हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक GIT का लोगो लेते आ रहे हैं। GIT का लोगो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो क्रोम पे आइएगा, यहाँ सर्च कर लीजिएगा GIT पढ़ो ना, इमेज पे आके कोई भी इमेज जो आपको अच्छा लगे राइट क्लिक करिएगा, सेव एज इमेज करिएगा, SVC में, डी ड्राइव में, 12.8 में, इमेज में, यहाँ पे ले लीजिएगा ऑल फाइल और इसको सारा मिटा के यहाँ ले लीजिएगा GIT। कोई दिक्कत है, सेव कर लिए, डाउनलोड हो गया, काम हो गया। अब कोड पे आइए
और यहाँ आने के बाद से यहाँ लिखिएगा, कल पढ़े थे ना IMG इमेज का, इमेज और क्या लगाते हैं सोर्स लगाते हैं ना SRC, हाँ इक्वल टू अपने आप लग जाएगा। और क्या कहाँ है फोल्डर हमारा, IMG के नाम से फोल्डर है, और कौन सा इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, GIT लोगो। कंट्रोल एस से सेव करिए, देखिए लोगो आ गया कि नहीं, और उसको लाइव करें, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा पॉइंटर ले जा रहे, ये पॉइंटर ले जाना है तो ऐसे ही बन रहा है ना, जैसे पॉइंटर दिख रहा है ऐसे ही दिख रहा है ना, एरो जैसे ही दिख रहा है ना, कुछ हो रहा है इस पे। तो एंकर टैग का काम यही होता है कि एक से दूसरे पे जाने के लिए। अब क्या करें यहाँ पे, अब आप यहाँ पे एंकर टैग लगा दें, क्या लगा दें एंकर टैग के लिए ए का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करते हैं ए का। तो अब देखिएगा पहले हमने लगाया एंकर टैग ए और टैग क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद ये जो इमेज वाला आपने काम किया है इसको आप क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए, और इसके भीतर लाके क्या कर कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए, और अब इसका आउटपुट देखिए। तो अब देखो अभी तक कर्सर दिख रहा है ना, ऐसे एरो दिख रहा है ना, अब जब उस पर ले जाएगा देखिए क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है अभी भी कुछ नहीं। अच्छा अब अगर इसको जोड़ना है, इस पेज को किसी पेज से जोड़ना है, किसी ना किसी पेज का लिंक लाना होगा ना। हाँ हमने क्या किया, स्क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे GIT पढ़ोना सर्च किया, GIT पढ़ोना सर्च किया, ओपन किया, और इस वाले पेज का लिंक यहाँ से, इस वाले पेज का लिंक यहाँ से HTTP आना चाहिए, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। कंट्रोल सी से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, क्या कर लिया कॉपी कर लिया, और यहाँ एंकर टैग के भीतर आ गए, भीतर यहाँ पे के भीतर स्पेस दिया और लिख दिया यस से रेफरेंस, और पेस्ट कर दिया उसके कि इस इमेज पे क्लिक करने पे ये काम हो। कंट्रोल एस से सेव कर लिया, और अब देखिए कि अभी कर्सर दिख रहा है ना, पॉइंटर दिख रहा है ना, ये पॉइंटर आपको एरो टाइप में, हाँ लेकिन जब इस पे ले जाएंगे तो देखिए क्या बनता है, क्या बन गया हाथ बन गया, मतलब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे कितने टाइप दिख रहे हैं आपको, चार। हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं, देखिएगा चार ही टैब रहेंगे, लेकिन देखो कहाँ चला जाएंगे, समझ में आएगी क्या किए हैं। तो पहले आप सिर्फ क्या लाएंगे, पहले सिर्फ आप क्या लगाएंगे, फिर से देखिए शुरू से, पहले आप क्या लगाएंगे, सिर्फ इमेज लगाइए आप लोग, लीजिए इमेज SRC, और क्या कहाँ पे है इमेज, किस नाम से GIT लोगों के, पहले इमेज के कितना लाना है, पहले इतना करिए, पहला लाइन में लिखिए पहले इतना करना है, पहला काम क्या करना है इतना करना, लिख लीजिए एंकर टैग के नीचे जो लिखवाए हैं उसके नीचे लिखिए ऐसा, ठीक है। अच्छा इसके बाद अभी तो नॉर्मल क्या एंकर टैग इस्तेमाल किए हैं हम लोग, नहीं एंकर टैग के लिए कौन सा टैग लगाते हैं, टैग ए, टैग क्लोज कर देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है देख लीजिए, कैसा एंकर टैग लगा हुआ देख लीजिए, अगले स्टेप में क्या करना है, इस इमेज वाले सेक्शन को क्या करना है, कट करके एंकर टैग के भीतर रखना है, लिख लीजिए सेकेंड स्टेप में लिखिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है,
अभी भी कंप्यूटर से सेव कर लें, इंटरफेस में कोई चेंजिंग हुई होगी तो पहले पीछे करिए। अब देखो अब क्लिक करने में जा रहा है, अभी भी जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां सेव नहीं किए। दोबारा से क्या करिए, इसको पोज करिए, फुल आई करिए, देखिए अब क्लिक करने पे हो रहा है कुछ नहीं रहा है। कब होगा? जब भाई आपको लोकेशन देंगे तभी तो यहाँ क्या करेंगे, एंकर टैग के अंदर आएंगे, क्या लिखेंगे, यस रेफरेंस, क्या लिखेंगे, यस रेफरेंस, इंटर करेंगे और कोई लिंक कहीं से ले लीजिएगा जहां से भी लेना हो। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक सर्च कर रहे हैं क्या, सरकारी रिजल्ट, देखो ये इंटरफेस आ रहा है सरकारी रिजल्ट का ना। हाँ तो हमने क्या किया, डबल क्लिक करके ये पूरा कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी इसको बंद कर लिया, और यहाँ पे आए और इसके भीतर क्या कर लिया, लिंक पेस्ट कर दिया, क्लिक कर, कंट्रोल से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे क्या होगा, सारे वाला साइट हो जाएगा, जो लिंक देंगे वही ना खुलेगा, लोगो से मतलब नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं लोगो ही हो। अच्छा एक चीज और बताइए, बैक करना पड़ रहा है, बार बार हमको बैक भी करना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ तो हम चाहते हैं क्यों ना इस पे क्लिक करें तो एक नया टैब खुल के आए, क्योंकि ताकि ये वाला पेज हमारा ऐसे सेव रहे, और इस पे जैसे क्लिक अलग पेज अलग टैब खुल के आ जाए, देख रहे हैं इस पे क्लिक करें तो यही टैब खुल जा रहा है, बार बार बैक आना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे जब चाहते हैं कि इसका आउटपुट जो हो वो अलग पेज पे आए, तो उसके लिए हम करते हैं टारगेट का यूज, क्या यूज करते हैं, टारगेट का। तो ये लिख लिया आपको ना, हाँ लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे किसका, टारगेट का, सामने देखिएगा थोड़ा सा, टारगेट इंटर, और टारगेट में लिख देंगे यह मेन, या मेन टारगेट मेन से फायदा क्या होगा, अब बताइए इस टाइम कितने टैब आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 टैब खुले हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे सब सामने देखिए, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चीज तो आपका वैसे ही सेफ रहेगा, देखिए ऐसे सेफ है, लेकिन पासवर्ड टाइप बदलने में भूल गया। इसे फायदा क्या होगा, जब चाहे इसको बंद करके हम वापस आ जाएंगे, इस पे क्लिक करके पहुंच जाएंगे, अब जहां पे भी जाना है वहां पे जा सकते हैं, और टाइप खुलते जाएंगे, देख रहे हैं ना। हाँ ठीक समझा रहे ना, तो एक लाइन लिखिएगा नीचे हेडिंग बना के टारगेट, चलिए टारगेट का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में कर रहे हैं, टारगेट का इस्तेमाल इसमें इसमें एंकर टैग के भीतर करते हैं, अगर हम क्या आउटपुट किसी अन्य टैब पे देखना चाहते हैं, अगर आउटपुट हम कहाँ देखना चाहते हैं, अन्य किसी टैब पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? तो हमने क्या किया, मतलब बेसिकली लोग दो टाइप के टैब का यूज करते हैं, ये क्लिक करने उसी पे रिजल्ट आ जा रहा है, टारगेट न लगाने से क्या हो रहा है, रिजल्ट उसी पे आ जा रहा है हमारा। हाँ और टारगेट लगाने से फायदा क्या हो रहा है कि हमारा वो पेज सेफ है, अगला पेज खुल गया, ताकि उसको क्लोज करके भी हम वापस अपने लोकेशन पे, नहीं तो सोचो अगर कितनी बार आगे जा रहे हैं, अगर ये टारगेट नहीं होता, लेट एज्यूम करो, तो क्या होता, जितनी बार हम आगे थे उतनी बार हमें बैक करना पड़ता, तो ये सब चीजों से बच कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि इमेज हो यहाँ पे, अगर मान लो हम यहाँ से इमेज हटा दें, यहाँ पे हम क्या करें, जो इमेज लगाए हैं उस इमेज को हम क्या कर लें, ये इमेज हमने हटा दिया, और यहां हमने लिख दिया क्या, और लगा के लिख दे रहे, ठीक है कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। क्या अभी कुछ बदला हुआ होगा पीछे, हुआ टेक्स्ट आ गया, वही मैंने कहा था ना दो तरीके से हम इमेज पे भी लगा सकते हैं, और बोले ना अब बस ये लिंक अप टू डेट ऐसे नॉर्मली दिख रहा है कि लिंक है, क्लिक करेंगे तो जाएंगे नए पेज पे, गए हैं देखो नए पेज पे गए हैं, ये पेज तो हमारा सेफ है, देखो अभी कितने टैब दिख रहे हैं आपको, ये बंद करो, कितने टैब, कितने, चार, जैसे इस पे क्लिक करें एक पांचवा टैब खुल जा रहा है, ये पेज हमारा कहीं ना कहीं सेफ है। ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है सर, टारगेट लगाने के लिए, टारगेट नहीं रह रहा था क्या हो रहा था, उसी पेज पे लिए डाल रहा, इतना समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये भी इमेज वाला भी लिख लीजिएगा, इमेज हटा के, कि वहां इमेज की जगह क्या हो सकता है, वही जहाँ इमेज वाला लिखे होंगे उसी के नीचे लिख लीजिएगा कि इमेज की जगह हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट के अभी लिख लीजिएगा फॉर गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी। को देखकर चलिए आगे चले। ये क्या था बाबू, अभी तक हमारा था एंकर टैग, अगला एक और फाइल बनाते हैं आज, अगला उसका नाम है मार्क्यू टैग। क्या होगा, आप लोग हेडिंग बना ही हुआ है, एक लाइन लिख लीजिएगा कि मार्क्यू टैग का इस्तेमाल हम इमेज की लोकेशन या डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं। मार्क्यू, मार्क्यू की स्पेलिंग क्या होगी, MARQUEE .html। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल हम पिक्चर के लोकेशन या डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं, यानी पिक्चर को मूव कराने से। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल हम पिक्चर को मूव कराने के लिए या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं। देखिए सिर्फ मार्क्यू का हेडिंग बना, यहाँ देखिए बॉडी के भीतर आ गए और मैंने लगा दिया मार्क्यू टैग MARQUEE। मार्क्यू टैग ओपन करके क्लोज किया, इंटर किया और इसमें मैंने एक इमेज लगा दी। इमेज के लिए क्या कोड था, इमेज SRC और किस फोल्डर में है, IMG के नाम से, किस नाम से था इमेज हमारा, GIT लोगो। बस कंट्रोल SSD करिए, आपको खुद अब आपको अलग दिखेगा। पोर्ट करिए इसको, गो लाइव पे क्लिक करिए, खुद इमेज देखिए, दिख रहा है। थोड़ा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होता है इसका, ऐसा मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, देखो देख लो, मतलब इत्मीनान से देख लो, ठीक है, अब लग रहा होगा कुछ सीख रहा है। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल इसलिए, अच्छा डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ज्यादा तो लेफ्ट राइट ही होता है, अप डाउन नहीं होता है, तो आप इसका चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, मार्क्यू के भीतर ही आएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, पहले नॉर्मल लिखिए ना आपको, फिर डायरेक्शन लिखा लिखिए ना आपको, और लिखिए पहले इतना मार्क्यू का, तो जरूरी है केवल इमेज को मूव कराएंगे, टेक्स्ट को नहीं मूव करा लेंगे। हम देखे भी हैं उधर, क्यों हल्का सीधे बढ़ा, सर ये समझ में आ गया वो। अच्छा इमेज ये लिख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मूव करने का जो डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट साइड का होता है। क्या होता है, हर चीज लेफ्ट ही होता है, चाहे अलाइनमेंट हो गया, चाहे ये हो गया, जो तो भी होगा। अच्छा इमेज की जगह अगर हम क्या लगा दें, लिख दें यहाँ पे क्या, गायत्री कंट्रोल से सेव कर दिया, अभी देखते हैं।
आ रहा है। अच्छा अब यहाँ लिख दे, थोड़ा मैं चाहता हूँ लाइन चेंज करके यहाँ लिख दूँ क्या, नियर रेलवे स्टेशन पडरौना कुशीनगर। चलो आदित्य अब अगर इसका आउटपुट कैसा आएगा, इसका आउटपुट के बैठे बैठे बताओ कोई करके, इसका आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना कंट्रोल सर। ठीक मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए। हाँ VR टैग नहीं लगा। लगेगा री टैग का इस्तेमाल कर लीजिए, क्या यूज कर लीजिए इससे पहले क्या लगा ठीक दीजिए। एंटर कर लीजिए और एक गायत्री से लेके कट और यहाँ लाके पेस्ट कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए और यही। है और नहीं लेवल पर चल रहा है, पढ़ रहा है मार क्यों है कहाँ एंकर का। तो नहीं 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 एक काम करो ना, है ऑप्शन ना, क्या करो इसको एंकर टैग के भीतर रख लो, क्या लगा दो यहाँ पे एंकर टैग लगा दो। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले पहले लगाएंगे हम एंकर टैग, क्लोज हो गया फिर इसको क्या करेंगे आप, कट कर लीजिए और उसके भीतर रखना है ना, भीतर रख दीजिए। भीतर हो गया बाबू, भीतर रखने के बाद उस प्रिंटर को नीचे कर। अब इसमें क्या करिए, एच रेफरेंस इंटर और लिंक का जो था वो गायत्री इंस्टीट्यूट वाला, देखना ये वाला पोर्शन खुल रहा है लॉगिन वाला, कंट्रोल सी बंद कर दिया, बंद कर दिए। अब देखिएगा और यहाँ पर लाके क्या कर दिए, फेस कंट्रोल सी आ रहा है। अब बस क्या करना है, क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे। ठीक हुआ, और मतलब बताया भी हूँ तरीका कि अगर चाहते हैं कि अलग पेज पे ना खुले तो क्या करेंगे, इसी में टारगेट अलग पेज पे खुला है ना, इसमें चल ही रहा है खुल गया, कर लेंगे मार्क्यू टैग का इस्तेमाल। अच्छा इससे पहले इमेज था, इमेज ही लगा देते हैं, हटा देना कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसका, डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, मार्क्यू के भीतर आना है, कहाँ आना है मार्क्यू के भीतर। अभी प्री व्यू का जरूरत नहीं था क्योंकि प्री तो मैंने लाइन के लिए बताया ना, प्री हटा दूँ, प्री और एंकर सब हटा दे रहा, प्री और एंकर सब हटा दे रहा, बस मार्क्यू मार्क्यू के अंदर क्या लगाए थे हम लोग, IMG SRC, IMG के नाम से फोल्डर था, PIT लोगो था, कंट्रोल ऐसे सेव किए थे, डायरेक्शन मूव हो रहा था। हाँ बस लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, बस वो क्या कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्यू के भीतर देखेंगे डायरेक्शन इक्वल टू राइट, सेव कर दीजिए। अरे राइट साइड हो गया, अप डाउन भी कर लीजिएगा, चार डायरेक्शन होते हैं, कितने होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन दिया होगा, बस ये चारों का इस्तेमाल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया क्यों, थैंक यू क्लास, ये क्लास में